लगा रहा। उसके पहले मैं भी इस बारे को कांग्रेस पक्ष ने मेरा गए पिछले 5 साल का कार्यक्रम देख के मुझे यहाँ उम्मीदवारी दी वाली। तुमने मुझे 17 दिन में आमदार बना दिए। मैं करोना का काम रंदो, समाज सेवा का काम रंदो, दिन रात यहाँ काम करे वाला हूँ। कौन सा काम करे वाला हूँ मैं? तहसील ऑफिस रंदो, कलेक्टर ऑफिस रंदो, दवाखाना रंदो, समाज कल्याण रंदो, RTO ऑफिस रंदो, पुलिस स्टेशन रंदो। इसके बावजूद भी छोटे मोटे मोहता रंदो, दावत रंदो इसके अंदर, और ऐसा मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को कोई ताके फोन पे भी दावत फोन पे दिया तो दावत में गए वाला हूँ। क्यों? तो हम जब उम्मीदवार बनते, जब सबके घरों में जाते, हमको मतदान करो बोलते, जब आमदार बनने के बाद कांच नीचे ऊपर नहीं करते, लोगा नहीं करते या नमस्ते नहीं डालते, ये सब व्याख्या आमदार की तोड़ के मैं जन सामान्य का आमदार बनने का मैं बने वाला हूँ। और 5 साल सेवा करने वाला हूँ। 5 साल हमारे शमीम भाई बोले वो जैसा बोले, हमने तो पहले 30 साल में आमदार को देखे नहीं थे। सही बात है, मरनो जब जनता में आ गए तो सब भाई चले जाए, अन्ना हमारे आदमी है बोल के। और उस वास्ते मैं आमदार बने वाला हूँ। जब 17 दिन में मुझे आमदार बने, अभी 5 साल के अंदर मुझे छोटा छोटा बच्चा जानता है, गांव में जान दो, गली में जानो, हमारे आना है बोल के बोलते हैं। वहाँ कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सबको लेके मैं चलने वाला, यानी जब मैं अभी तक काम करने वाला हूँ, जनता का विश्वास करूँ। शमीम भाई फिक्र मत करो, नांदेड़ की जनता बहुत होशियार है, कोई भी पक्ष आन दो, एक कोई MI मान दो, वंचित आन दो या भाजपा के दो अपक्ष आन दो, ये समझती ये नहीं क्या? जैसा भाजपा सरकार ने पक्ष फोड़ने का काम करे वाला है, उन्होंने भाजपा पक्ष, कांग्रेस पक्ष तोड़ी, राष्ट्रवादी तोड़ी, कांग्रेस तोड़े, भाई बहन तोड़े, भाई भाई तोड़े, पुतने चाचा चाचा भतीजे तोड़े, उस प्रकार जहाँ भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, जहाँ भी महाकाश उम्मीदवार है, उसका मतदान खाने के लिए ये भाजपा ने करे वाले हैं अपक्ष उम्मीदवार। अभी जनता ये माफ नहीं करेंगी उनको, बराबर ये आने वाले 20 तारीख को मतदान बच्चे पे करके बताएंगी। बाकी विकास की काम आरम्भ दो, आगे आपने को 2 साल करोना था सा, 2 साल करोना था सा था, 2 साल अपन विरोधी पक्ष में थे, पर अभी एक ही साल में अपन जो भाजपा की सरकार 5 साल बनी थी उससे वो नगर सेवा भी हमारे समाज के लिए, विकास के काम के लिए मेरे संगत खड़े हैं। जो जो काम होना वो करने को हम तैयार हैं। आगे चल के महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है, और महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के लिए आपने को 100% मतदान करना चाहिए। और उसके लिए इतना कहता हूँ, अभी हमको बोले बता आपने 2-3 काम मेन है, यहाँ का पुलिस स्टेशन अपन ग्रामीण को अलग करना है, और अपना नांदेड़ सिटी का इतवारे का चौपाड़े का पुलिस स्टेशन यहाँ भी अलग करना है। उसके बाद भी MSCP का 33 KV मंजूर हो वाला है, मगर जगह से वजह से वो रुके वाला है। पर जब अपन आमदार बन के महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाले, पहला काम करूंगा 33 KV यहाँ उभार के, वहाँ जगह उपलब्ध है, जगह है, मगर वो तुम्हारे शासकीय जगह है, उसको मंत्रालय से परमिशन करके वहाँ भी अपन 33 KV उपलब्ध कर देंगे। भाभी जो जो काम है, केली मार्केट का रास्ता करना है, उर्दू घर से केली मार्केट का रास्ता करना है, जो अपन भर रास्ते में वहाँ उतना अपना बड़ी जगह है, उसको भी अच्छा सुशुभीकरण करके रास्ता बना के वो भी इलाके का अपने को अच्छा करना है। उसके बावजूद भी रन दो, लाइट का काम रन दो, नाली का काम रन दो, छोटे मोटे काम रन दो, जो भी हर तत्पर पर पूरी महानगर पालिका अपने गली में आके काम करने का भी, ये भी अच्छा काम करना है। इस वास्ते सबको कहता हूँ, अपने को अगली महानगर पालिका आने के लिए, सब आने के लिए अपने को विरोधी आदमियों को पता चलना है, विधानसभा को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें तो आने वाले
महानगर पालिका को आपने सब नगर सेवका ज्यादा लीड से चुन के आने का ये करना है। अब ये फाउंडेशन है, महानगर पालिका फाउंडेशन, इस वास्ते ये नौजवान कर दो, आने वाले 20 तारीख को लोकसभा को पंजाब में मतदान करके दिल्ली में भेजना है और विधानसभा को विधानसभा को मेरी निशानी पंजा है और वो 2 नंबर पे और उसको भी पंजाब में मतदान करके आपने सेवा करने को मुझे संधि देना है, इतना ही कहता हूँ। और मैं मेरा भाषण रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।